हेलो फिफ्थ क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज पीरियड नाउ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स एंड यू हैव विद यू ऑल्सो योर सोशल स्टडीज बुक. ओपन इट नाउ. राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. फाइन. नाउ यू हैव द चैप्टर नंबर 8, ट्रांसपोर्ट. ट्रैवलिंग हमें मालूम है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत सारे डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है. कहीं डिस्टेंस कम होता है, कहीं पे हमारे लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं. एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस कैन बी कवर्ड बाय द फुट, बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हमें ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है जो हमें लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करवा दें. एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में इट मीन्स जैसे हमारे हैं कार, ट्रेन, बस, ये सभी हम अपने आप को यानी एक ह्यूमन बीइंग अपने एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकता है और हमारे गुड्स को कैरी करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. क्योंकि बहुत साल पहले जो मैन था यूज़ करता था अपने पैरों पे चलना या हैवी लोड्स को अपने बैक पे या अपनी पीठ पे रख के उनको ले जाता था. लेकिन वन डे उन्होंने क्या देखा, एक लकड़ी के गट्ठे को गोल गोल काट के देखा अपनी हील्स के नीचे, तो उन्होंने देखा कि ऊपर से वो लुढ़क के आया. तो उनके माइंड में आया कि हम क्यों ना इस तरीके से गाड़ी का व्हील बना ले. तो उन्होंने क्या किया था, हमारे अर्ली मैन थे जो, उन्होंने हमारे टायर का आविष्कार किया था. और उन्होंने एक और इन्वेंशन किया था जिसका नाम था स्टीम इंजन. जिन्होंने किया था कौन थे, वो जेम्स वॉट थे 1769 में. और जिन्होंने क्या कहा था कि स्टीम इंजन्स आर रिप्लेस्ड बाय डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स का यूज़ ना करके उन्होंने स्टीम इंजन को यूज़ किया ताकि उससे पोल्यूशन भी ज़्यादा ना हो के कम होगा और हम उसको यूज़ भी करना सीख लिया उन्होंने. और हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने होते हैं, वी नो वेरी वेल. लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया हमारे, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. लाइक आपके स्क्रीन पे है मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड यानी हमारे ज़मीन पे चलने वाले जो हैं वो होते हैं हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट, जिनको हमें दो तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है. लाइक हमारे रोडवेज यानी रोड पे चलने वाले, दूसरा हो गया हमारे रेलवेज. रेलवेज क्या होते हैं, रेल की पटरी पे चलने वाले. एंड नेक्स्ट इज रैपिड ट्रांसिट सिस्टम होते हैं हमारे. तो हमारे रोडवेज क्यों होंगे पहले, क्योंकि हमारे लैंड रूट्स बोला जाए या रोडवेज बोला जाए हमारे पुराने और कॉमन है जो हम ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं. ठीक है. और रोड्स को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. लाइक जैसे आपके सामने एक आपका कच्चा रोड है लेफ्ट में, जो किसी भी सीमेंट से, किसी भी ब्रिक से, कोई भी तारकुल वगैरह नहीं होता है, उसके बिना यूज़ होता है. और ये पक्का रोड हमारे ब्रिक्स यूज़ होगी हमारी वहाँ पर, और काफ़ी कुछ मटेरियल सीमेंट वगैरह, काफ़ी कुछ चारकोल वगैरह जिसको यूज़ करके हमारा पक्का रोड बनाया जाता है. ठीक है. और कुछ रोड्स हमारे नैरो भी होते हैं, कुछ हमारे ब्रॉड भी होते हैं. चौड़े रोड्स वो हमारे रोड के अकॉर्डिंगली होता है कि कितना एरिया हम उसको दे पा रहे हैं. ठीक है. एंड ब्रॉड रोड्स क्या करते हैं, लेड फॉर हैवी ऑटोमोबाइल ट्रैफिक होते हैं वहाँ पे, जिनको बोला जाता है हाईवेज या मोटरवेज भी बोला जाता है इन्हें. ठीक है. एंड हमारे जो हैं द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया में इम्पॉर्टेंट हाईवे है जो कवर करता है 5846 किलोमीटर, जो कनेक्ट 4 मेट्रो सिटीज़ को कवर करता है. किस किस को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. ठीक है. और हमारे फेमस हाईवेज हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यू हैव टू रीड दिस वन. एंड नेक्स्ट वन इज टॉपिक योर रेलवेज. ट्रेन्स हमारे चीप और कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो हमारे लोगों को भी और हमारे काफ़ी सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं. लाइक आपके देखिए स्क्रीन पे ये आपका स्टीम इंजन है जो स्टीम से चल रहा है. नेक्स्ट आपका देखिए वायरिंग होती है ऊपर, इलेक्ट्रिक की वायर से इसको करंट मिलता है और इलेक्ट्रिक से कर चलने वाली है. एंड नेक्स्ट आपकी साइड वाली है जो हमारी डीजल इंजन है. ठीक है. जिसमें डीजल से यूज़ होता है इसका इंजन. और हमारा जो फर्स्ट जो पब्लिक रेलवे सर्विस वो स्टार्ट की गई थी इंग्लैंड में, वो की गई थी हमारी 1820 में. और जो रेलवे सर्विस थी हमारे इंडिया में वो स्टार्ट की गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी इन 1853 बिटवीन मुंबई और थाने के बीच में. टुडे इंडिया का जो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारा एशिया में है एंड फोर्थ लार्जेस्ट है वो.
ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, राजधानी एक्सप्रेस और हमें दुरंतो और हमारी शताब्दी जो है फास्टेस्ट ट्रेन्स मानी जाती हैं, वो कम से कम नियर फिगर 150 किलोमीटर एक घंटे में वो सफ़र तय कर लेती हैं। ठीक है, और इसने चाइना ने भी हमारी चाइना जो कंट्री है उसने भी बहुत सारी हमारी फास्ट ट्रेन्स को डेवलप किया हुआ है। अब है हमारा रैपिड ट्रांसिट, हमारी मेट्रो ट्रेन आपने देखी है, आपने भी सफ़र किया होगा ना मेट्रो ट्रेन में, तो हमारी मेट्रो ट्रेन की भी इतनी ही हाई कैपेसिटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि हमारा कुछ ट्यूनल के इनसाइड में भी है, कुछ ग्राउंड के ऊपर भी हैं ये रेलवेज, एंड दे आर जनरली फाउंड इन अर्बन एरियाज। रैपिड ट्रांसिट सिस्टम्स आर यूजफुल इन ट्रांसपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्विकली ओवर द शॉर्ट डिस्टेंसेज विद द यूज ऑफ लैंड। और इसके बाद है हमारा लाइक आपको स्क्रीन पे वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया हमारा। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है हमारा, लग्जरी हो गया एक तो हमारे, और एंशियंट शिप पुराने टाइम पे कौन सी होती थी, और अब हमारी लग्जरी लेनर शिप्स क्या होती हैं। वी नो वेरी वेल, आप कभी गए हैं, इसमें हमारी सारी छोटी से लेकर बड़ी हमारी हर फैसिलिटी को गौर करके इसको बनाया होता है। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टीम इंजन ऑन द बिग सिटीज पे किया गया था, इम्पोर्टेंट चेंज था हमारी वाटरवेज की हिस्ट्री में ये। ठीक है, और हमारे इम्पोर्टेंट जो सी ट्रांसपोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, सऊदी अरब, जिनके थ्रू बहुत बड़े बड़े चीज़ों को अप डाउन इधर से उधर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कैनल्स। कैनल्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इरीगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ पर कंट्रीज़ के और बूस्टेड द वर्ल्ड ट्रेड के बीच में उनका सफ़र तय कर सके हम। ठीक है, और हमारा स्विस कैनाल है, पेनामा कैनाल है, और वाटर ट्रांसपोर्ट हमारी आपको मालूम है इज़ द चीपेस्ट है, लेकिन सस्ती तो है बट स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, जो हमारे ट्रेड को इससे बहुत बढ़ावा मिलता है। एंड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट का क्या होता है, फास्टेस्ट भी है, कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। लाइक हमारे कौन कौन आते हैं एयरवेज में, लाइक हेलीकॉप्टर हो गया हमारा, एरोप्लेन हो गया, जो हमारे बहुत सारे डिस्टेंस को बहुत ही कम टाइम में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और हमारा जो फर्स्ट एरोप्लेन सर्विस है वो स्टार्टेड बिटवीन लंदन और पेरिस के बीच में हुई थी इन 1919 में। ठीक है, और एरोप्लेन की जो स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट करती है, और हमारी जो सुपरसोनिक प्लेन्स होती हैं वो इनसे भी बहुत तेज फास्ट स्पीड से जाती हैं ये। ठीक है, एंड यहाँ हमारा है द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने हमारे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करने में हमारी बहुत हेल्प की है, और डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को जाने में या हमारे सामान को छोटे या ज़्यादा डिस्टेंस में कवर करने के लिए, एंड दे आर द की है हमारे डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री को करने के लिए, ताकि हमारे देश का विकास बेहतर रूप से हो सके। ठीक है, एंड नाउ यू हैव दिस न्यू वर्ड्स विच यू हैव टू डू इन योर कॉपीज। फाइन, From this page you have to complete your question number A. From this page you have to complete your question number B, C and D is your question answers, and you have to do all the work in your books and notebooks. Okay, class?